वो बापा जानी जो है मेरे एक्स मुर्शिद इलियास कादरी साहब, तो कादरी साहब कहना है कि अल्लाह के नेक बंदों का तस्किरा जहाँ होता है वहाँ रहमत का नुजूल होता है। आहा, फिर जान नेक बंदा खुद होगा वहाँ कितनी रहमत नाजिल होगी। हाय 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 हाय, जिक्र पर इनके रहमत नाजिल होती है। सुभान अल्लाह, मैं अल्लाह की रहमत का हकदार बनूंगा, वहाँ हाजिरी दूंगा, आपके गुनाहगार मुरीद आए और इनकी बरकतें लूंगा, सलाम अर्ज करूंगा, इसाले सवाब करूंगा, हमारी झोली भर दीजिए। इस तरह की अच्छी अच्छी नियतें करके हाजिरी हो। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा, बुजुर्गों के बारगाह में कदमों से देनी चाहिए। ठीक है जी। ईट यानी जहाँ इन साहिबान का, इन बुजुर्गों का चेहरा होता है ना। नहीं ना ना, एडी गुस्ताख नहीं करनी। उस तरफ यानी कदमों से दाखिल हो अगर मुमकिन हो तो, और फिर चेहरे की तरफ आ जाए, पीठ की तरफ से सलाम अर्ज ना करें। ऐसा निकलो यार, हम गुस्ताखियां करांदे हो बहुत ज्यादा करने में। ज़ाहिर है कि हम जिंदा आदमी भी जो होगा ये भी जिंदा होते हैं उलिया गिराम। अबे साले, लेकिन मैं हम अब हम लोग जो हैं, अब कोई पीछे से सलाम करेगा, पीछे से हमको बातें करेगा, कहेंगे ओ हो हो बड़ी तो इनकार दी आपने। और वैसे भी यहाँ किस सामने भी कोई मसरूफ है तो उसको बार बार मुड़ना पड़ेगा, ज़हमत होगी। ज़्यादा गुलूम ना करें आप। सलाम भी पीछे से करेगा तो ज़हमत होगी, मुड़ के देखना पड़ेगा। तो इस तरह मतलब है कि बुजुर्गों को भी अगर पीछे से कोई सलाम करेगा तो मुड़ कर देखने की ज़हमत होगी। बिल्कुल, यानी जिसको कहते हैं ना एक कॉमन सेंस भी नहीं है। इसलिए अदब यही है कि चेहरे की तरफ से सलाम अर्ज करे। अंकलान सलाम, ये भी इसके आदाब है। अस्सलाम अलैका या सैयदी, यूं कहे अगर नाम लेना चाहे तो भी कह दे, अर्ज कर दे। माहमा मोहताज तो हाजत रवा, माहमा मोहताज तो हाजत रवा, अल मदद या गौसे आजम सैयदा। वो कौन है, लाख दी लानत ते दूर फिटन। हाँ, गंज बख्शे फैज़े आलम नहीं, अल्लाह से मदद। मज़ारात पर जाना कैसा है जी? बिल्कुल जरूर जाए, मैं तो रुजू कर चुका हूं। हाँ, बस सिर्फ ये किया करें जिस मज़ार पे भी जाए ना, वहां खड़े होके कहेंगे अल्लाह ये जो बुजुर्ग यहां दफन है, इनके छोटे बड़े अगले पिछले, जो ये छुप छुप के गुनाह करते थे, जो लोगों के सामने करते थे, सारे मुआफ फरमा दे। और ऊंची बात से ये दुआ करनी है।